welcome back to my channel and I hope you all are doing good in your lives as मैं बहुत ही super awesome हूँ. तो आज की वीडियो जैसा कि टाइटल से आपको पता लग गई है, ये वीडियो होने वाली है आपका फर्स्ट डे कॉलेज मेकअप लुक, या फिर कॉलेज में आपको कैसा मेकअप करना चाहिए, मैंने कैसा कभी किया था. तो इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक चीज़ें बताने वाली हूँ. एंड मैंने देखा है यूट्यूब पे ये चीज़ें, ये ट्रेंड जो है बहुत फॉलो हो रहा है, लाइक 5 मिनट्स मेकअप चैलेंज विथ 5 प्रोडक्ट्स. सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट कॉन यूज 5 प्रोडक्ट्स एंड दैट टू इन विद इन 250 रुपीज, जो कि आप इजीली परचेज कर लो, अफोर्डेबल हो, हाई एंड कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ही अफोर्डेबल येट ब्रांडेड प्रोडक्ट से मैंने ये लुक तैयार किया है. एंड आई होप आपको ये लुक अच्छा लगे हो. एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड वी आर सो क्लोज टू 4000, सो आई जस्ट वॉन्ट कि हम जल्दी से 4000 हिट कर लें. एंड अच्छा लगा वीडियो तो आपको पता है, एक लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना अगला आप क्या देखना चाहते हो. एंड ये वाला मेकअप लुक है, परफेक्ट है कॉलेज गोअर्स के लिए. अगर आप टीनेजर हो तो भी, मतलब थोड़े बहुत उसके स्टेप्स कम हो जाते हैं, लेकिन कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी ये जो लुक है ये बहुत ही अच्छा है. टीनेजर्स भी इसको कैरी कर सकती हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सटल रखा है, नॉट ओवर द टॉप, नथिंग, बहुत ही बेसिक सा है. तो आइए फिर देखते हैं मैंने इसको कैसे क्रिएट किया है. तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले जो चीज़ हम लगाएंगे वो है ये फाउंडेशन, जो कि है लैक्मे की, एंड ये है लैक्मे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन. व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस फाउंडेशन, बिकॉज दिस हैज़ एन SPF 8 एंड ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, लो टू मीडियम कवरेज देता है, एंड दिस डज नॉट ड्राई आउट योर स्किन. दैट इज़ वाई दिस फाउंडेशन इज़ रियली गुड, एंड प्लस इट विल फिट योर बजट कम्प्लीटली. आप चाहे तो बीबी क्रीम भी ले सकते हैं, बट यहाँ मैंने ये वाला फाउंडेशन इसलिए लिया है क्योंकि बीबी क्रीम जो है वो आपके अपने शेड का कभी नहीं मिलता, तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे अपने शेड का फाउंडेशन लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. अब ये मैंने लगा लिया है एंड अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी अपने फिंगर्स की हेल्प से. हमेशा आप डैप करिएगा, ऐसे ड्रैग नहीं, क्योंकि मैंने ये गलती की थी अपने कॉलेज में. सो दैट इज़ वाई ऑलवेज ट्राई टू ड्रैग, ऑलवेज ट्राई टू डैप दी फाउंडेशन, जैसे कि आप देख रहे हो. फाउंडेशन हमने ब्लेंड कर लिया है. बहुत ज़रूरी है उस फाउंडेशन को सेट करना. सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट विथ SPF 40 PA++. एंड नाउ दिस इज ग्रेट कॉम्पैक्ट, इट हैज़ रियली नाइस फिनिश. इसकी यू कैन यूज़ दिस ऑन इट्स ओन एज वेल, बट मैंने फाउंडेशन लगा लिया. अगर आपको फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद, आप बस इसको यूज़ कर सकते हो. एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें 40 SPF है, तो आप अपना जो नॉर्मल जो आप सनस्क्रीन लगाते हो वो स्किप कर सकते हो, एंड यू कैन यूज़ दिस इंस्टेड. कैन यू गाइस सी हाउ मच कवरेज इट इज़ गिविंग मी? ओके, लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू रिव्यू दिस वन, बिकॉज आई हैव क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो इट इंस्टेंटली ब्राइटन अप माई फेस, जैसे आप देख रहे हो. बस ये है कि थोड़ा सा पैची, स्लाइटली पाउडरी और पैची लगता है आपके स्किन पे, बट विथ टाइम, थोड़े टाइम बाद ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है. आफ्टर दैट विच इज़ रियली एसेंशियल, एंड मैंने अपने कॉलेज ईयर्स में इसको ज़रूर यूज़ किया है, वो है एक काजल. एंड बैक देन मुझे इतना पता नहीं था, तो मैं कोई भी काजल यूज़ कर लेती थी, स्पेशली दैट लैक्मे का जो छोटू सा काजल लगता था वो वाला. बट नाउ देर आर सो मेनी ऑप्शन, तो माई ऑप्शन विद दिस फेस काजल, दिस इज रियली ग्रेट काजल. एंड इसी से मैं अपने आईब्रोज भी फिल करूंगी. या आप सोच रहे हैं कि ब्लैक से कैसे आईब्रो फिल होता है, तो हियर इज अ ट्रिक. आप हमेशा जब भी ब्लैक काजल से अगर आप आईब्रो फिल करना चाहते हो, जस्ट इसको यहां से पकड़िए एंड ऊपर की स्ट्रोक में इसको लीजिए, इसको फिल कीजिए. तो मैं एक लाइन सा ड्रॉ कर रही हूं.
सो कैन यू गाइस सी, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं लग रहा है, डार्क नहीं लग रहा है एंड एट द सेम टाइम ये कितने अच्छे से फिल हो गया है, फिल कर लिया है। आप ऐसा सा कोई भी स्पूली या ऐसा सा कोई भी ब्रश हेड को लेके इसको थोड़ा ब्रश थ्रू कर लीजिए ताकि ये थोड़ा नेचुरल लुक दे। और इसका कलर जो है ब्लैक से ना होकर ग्रे सा हो जाए। या परफेक्ट, नाउ दिस इज लुकिंग रियली परफेक्ट एंड ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैंने किसी काजल से इसको फिल किया है। एंड येस गाइस, मेरे दोनों आईब्रोज में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज वन इज लिटिल बिट लिफ्टेड एंड एक जो ये थोड़ा सा फ्लैट आता है, सो आई कैन हेल्प इट। उसके बाद मैं इसी सेम काजल को अपने वाटर लाइन एंड जो ऊपर का एरिया है उस पर लगाऊंगी एंड ट्रस्ट मी, दिस वॉज द थिंग विच आई यूज टू डू माई एंटायर कॉलेज लाइफ अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। मैं बस कोल को बस इतना लेके जाऊंगी एंड इसको मैंने ऐसे किया है एंड इसके बाद हियर इज द ट्रिक एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्मज इट। हाउ द सॉफ्ट, सच अ सॉफ्ट लुक इज कमिंग। सो या दिस इज वॉट, एंड ये बहुत स्टार्क नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत सारा मेकअप किया, बट यू कैन सी द डिफरेंस, दिस आई इज लुकिंग सो मच बिगर एंड दिस वन इज स्टिल लुकिंग इट्स इन इट्स नॉर्मल साइज। आजल आई एम गोइंग टू टाइट लाइन अपना ऊपर वाला एरिया को भी या सो हियर इट इज एंड this eye look is looking so gorgeous, super gorgeous, I can't even tell you guys. Now for mascara, I am using this matte look lashes push-up mascara and this is so affordable, this is super affordable, I tell you guys, this is super affordable mascara and this is such a nice alternative for that Maybelline push-up drama mascara. Can you guys see the difference in my lashes? That's what this mascara does to my lashes. Okay, now that eyes are done, let's move towards the lips. And the lip product which I'm going to use in this video is super affordable and super long lasting and this is the NY Way matte crayon and I haven't used this product, maine pehle isko kabhi use nahi kiya, but I was just wondering, let's give this a try. And now let's use this. This is super matte and as well as ये बहुत ज़्यादा आपके lips को dry out नहीं करता. This shade is such a gorgeous shade. आप इसको easily college में पहन सकते हो. ये बहुत ज़्यादा मेड अप या बहुत पिंकी टाइप का नहीं लगता, दिस इज अ रियली न्यूड कलर, पीची न्यूड कलर फॉर माई स्किन टोन एंड बाय द वे इफ यू आर वंडरिंग, दिस इज इन द शेड द इमरजेंसी हैकर नंबर 13, इमरजेंसी हैकर एंड हियर इज द हैक दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस एज माई ब्लश ऑन बिकॉज दिस इज सच अ नाइस डू इज यू कैन टेक दिस विद सेक्शन एंड इसको इस तरीके से आप टाई कर सकते हो एंड ये जो क्लिप है इसको आप ऊपर से ऐसे लगाओ ताकि ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरीके से दिखे। एंड द रेस्ट हेयर जस्ट टेक इट लाइक दिस टू गो टू कॉलेज एंड आई होप दैट आपको ये अच्छा लगा हो एंड दिस इज रियली सिंपल, रियली रियलिस्टिक काइंड ऑफ मेकअप। आई एम नॉट टेलिंग यू टू पुट ऑन सो मच ऑफ मेकअप एंड बहुत ही मेडअप बन के जाओ कॉलेज में, आई विल नॉट एडवाइस यू दैट बिकॉज कॉलेज जो है उस टाइम हमें पूरा टाइम वहाँ रहना पड़ता है एंड इट डज नॉट लुक गुड कि आप इतना सारा मेकअप लगा के जाओ कॉलेज में एंड पीपल स्टार्ट टेलिंग यू। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट अप्लाई मेकअप, अप्लाई इट, बट इन कॉलेज आई थिंक यू शुड stick to your basics like your nude lipstick, your kohl and play with blushes but avoid contouring or highlighting in your college or applying eyeshadows because I think
वो आपको स्पेशल ओकेजन में करना चाहिए, नॉट इन कॉलेज, बिकॉज आप पूरे दिन बाहर रहते हो, गर्मी में इधर उधर भागते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, एंड फिर उसके बाद अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो ये सब तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. सो आई होप आपकी ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, जो भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं. एंड मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा ग्रे टी शर्ट पहना है, बिकॉज यू नो दिस वॉज माई स्टाइल इन कॉलेज. आई यूज टू बी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, एंड येट I used to look good. I managed to look good. So yeah, I hope ये वाला tips and tricks आपको पसंद आया हो, and comment करके बताना अगर आपको अच्छा लगा. And I'll see you guys in my next video. Till then, bye bye. Love you guys.